हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5 तो कोसेक थीटा का मान निकाले। तो दोस्तों, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमें कंडीशन दिया ना, इस कंडीशन से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका हल। तो दोस्तों, में दिया है 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसे हल करने से पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ कोसेक थीटा का मान निकालना है, और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ 4 cos थीटा है। तो दोस्तों, हमें पता है कि कोसेक थीटा जो है क्या होता है दोस्तों, 1/sin थीटा के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है इसे हम साइन के रूप में बदलेंगे पहले, उसके बाद हम कोसेक के रूप में इसका मान निकालेंगे। दोस्तों, हम पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है, इसको भी हम साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3 sin थीटा + 4। दोस्तों यहाँ कॉस थीटा है, दोस्तों अगर हम कॉस थीटा को फार्मूला के अनुसार साइन थीटा के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 - sin²θ। ठीक दोस्तों, फार्मूला के अनुसार, और ये बराबर 5। दोस्तों हमारा फार्मूला होता है sin²θ + cos²θ = 1। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, cos θ = 1। प्लस sin²θ को पक्षांतर करेंगे तो -sin²θ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, cos²θ और यहाँ हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, बराबर की साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों √। तो दोस्तों हम cos θ = √1 - sin²θ लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ दोस्तों क्या किया, sin²θ लिख दिया, क्योंकि दोस्तों हमें cosec थीटा का मान निकालना है और cosec थीटा जो है sin थीटा का उल्टा होता है, तो इसीलिए हमने दोस्तों इसे क्या किया, sin के रूप में बदल दिया। अब देखिए दोस्तों, लिखेंगे 4 × √1 - sin²θ = 5। प्लस 3 sin थीटा को पक्षांतर करेंगे क्या होगा दोस्तों, -3 sin थीटा। ठीक दोस्तों, दोस्तों हम अब लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोस्तों हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4√1 - sin²θ इसका वर्ग करेंगे दोस्तों बराबर 5 - 3 sin थीटा, इसका भी हम वर्ग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना होगा, 4 × 16। ठीक दोस्तों, गुने √1 - sin²θ का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - sin²θ बचेगा। ठीक दोस्तों, बराबर, अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम यहाँ a - b² का फार्मूला लगाएंगे, तो दोस्तों a - b² का फार्मूला होता है a² - 2ab + b². तो दोस्तों a की जगह 5 है, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक दोस्तों, 25 - 2, a की जगह 5 और b की जगह दोस्तों 3
साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों बी की जगह है 3 साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 16 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का गुना करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, बराबर 25 माइनस 2 5 10, 10 30, 30 साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। इसे हमने गुना कर दिया, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 को बराबर किससे पक्षांतर करेंगे तो माइनस 25, माइनस 30 साइन थीटा को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 30 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा को भी हम पक्षांतर करेंगे, ये माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर की सर कुछ नहीं बचा दोस्तों, 0। अब देखिए दोस्तों माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का था, तो चिन्ह हो गया दोस्तों माइनस का। दोस्तों 16 साइन स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों प्लस 30 साइन थीटा। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ देखिए प्लस 16 और माइनस 25, दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या की, तो दोस्तों 25 हमारा बड़ा संख्या तो इसलिए इसका माइनस होगा। ठीक दोस्तों, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या की, दोस्तों 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9। ठीक दोस्तों, 9, और ये बराबर 0। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा ना ये प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस 30 साइन थीटा। ठीक दोस्तों, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया दोस्तों, यहाँ क्या होगा, प्लस 9, और ये बराबर 0। अब देखिए दोस्तों हम इस माइनस से 0 को भाग देंगे तो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा ना, ये माइनस जो है वो हमारा गुना में है तो इसे हम 0 के साथ भाग करने भेजेंगे तो 0 होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 को हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ 25 साइन स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, तो इसे हम 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कि दोस्तों लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस दोस्तों 30 साइन थीटा को हम दो फार्मूला से, दो होता है ना दो, एक की जगह दोस्तों 5 साइन थीटा गुने बी की जगह हम 3 लिख सकते हैं, कि दोस्तों दोस्तों हमने क्या किया, 30 साइन थीटा को 2 × 5 साइन थीटा गुने 3 लिख दिया, और प्लस दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और बराबर 0। दोस्तों हमने क्या किया, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 को फार्मूला के रूप में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 5 साइन थीटा और बी की जगह 3। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि, तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दोस्तों a की जगह क्या है, 5 साइन थीटा माइनस b की जगह दोस्तों 3, तो 3 लिखेंगे और ये स्क्वायर। ठीक दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो दोस्तों अब देखिए अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा दोस्तों, तो दोस्तों इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 साइन थीटा माइनस,
अब देखिए दोस्तों, 5 sin थीटा बराबर -3 को पक्षांतर करेंगे दोस्तों क्या होगा, +3। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। 5 को हमें दोस्तों पक्षांतर क्या दिए, भाग में चला गया, क्योंकि इधर गुना में है। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 आया है, और हमें दोस्तों कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, डियर फोर कोसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ साइन क्या है, 3/5 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे दोस्तों क्या होगा, 5/3। तो दोस्तों कोसेक थीटा का मान हो गया 5/3। तो इस तरह हम इसे हल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, यदि 15 sin² a + 2 cos² a बराबर 7, तो tan a का मान निकाले। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हल करके tan a का मान निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका हल, दोस्तों हमें यहाँ दिया है 15 sin² a + 2 cos² a = 7। ठीक दोस्तों, दोस्तों हमें यहाँ से टेन ए का मान निकालना है, और यहाँ है दोस्तों साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों हमें पता है कि टेन थीटा जो है साइन बट्टा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ से टेन ए का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्ष में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तब ना टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना जी। अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे दोनों पक्ष में कॉस स्क्वायर ए से, एंगल की जगह यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, अगर थीटा होता तो हम थीटा लिखते हैं। दोनों पक्ष में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर दोस्तों हम इसे भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 sin² a + 2 cos² a। तो दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे। ठीक दोस्तों, बराबर 7। तो दोस्तों हम इसको भी तो कॉस स्क्वायर से भाग देंगे ना। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 15 sin² a + 2 cos² a = cos² a। तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे सेपरेट करेंगे यानी अलग लिखेंगे। दोस्तों जब हम इसे अलग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 sin² a = cos² a। ठीक दोस्तों, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 cos² a = cos² a = दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, 7/cos² a। तो दोस्तों हम इसे 7 sec² a लिख सकते हैं कि दोस्तों लिख सकते हैं कैसे दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 7/cos² a है, तो दोस्तों हम इसे 7 × 1/cos² a लिख सकते हैं कि दोस्तों लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ 7 को 1 से गुना करें तो 7/cos² a हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे इसे 7 × दोस्तों 1/cos² a किसके बराबर होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक दोस्तों, तो हमें दोस्तों क्या किया, 7/cos² a को 7 sec² के रूप में लिख लिया। ठीक दोस्तों,
अब यहाँ देखिए दोस्तों, 15 sin² a बट्टा cos² a, तो दोस्तों हम लिखेंगे 15, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों sin² a बट्टा cos² a किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये होगा tan² a के बराबर, ठीक दोस्तों। प्लस दोस्तों यहाँ देखिए 2 cos² a बट्टा cos² a, तो दोस्तों यहाँ से cos² a और ये cos² भाग में कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों क्या बचेगा, 2 बराबर 7 sec² a, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे 15 tan² a प्लस 7 sec² a को हम पक्षांतर करेंगे दोस्तों, क्या होगा, -7 sec² a और ये +2 बराबर, इस साइड कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे 15 tan² a -7। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन ए, और यहाँ दोस्तों देखिए sec² a, तो दोस्तों हम फार्मूला के अनुसार sec² a बराबर 1 प्लस tan² a लिख सकते हैं कि दोस्तों, लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार, और ये +2 बराबर 0। दोस्तों हमारा फार्मूला होता है sec² θ -tan² θ बराबर 1, ठीक दोस्तों। तो अगर दोस्तों हमें यहाँ से sec² θ का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 -tan² θ को पक्षांतर करेंगे तो +tan² θ, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ sec² a की जगह हमने दोस्तों क्या लिख दिया, 1 प्लस tan² a, थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 15 tan² a माइनस -7 से +1 प्लस tan² a को गुना करेंगे, तो +1 को -7 से गुना करेंगे तो -7, -7 से +tan² a को गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा दोस्तों, 7 tan² a, ठीक दोस्तों, और ये +2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 15 tan² a -7 tan² a, तो दोस्तों 15 में से -7 करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 8, 8 क्या होगा दोस्तों, tan² a, -7 प्लस 2, तो दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या की, तो -7 बड़ा है तो माइनस होगा दोस्तों चिन्ह, तो 7 में से हम -2 करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 5, और ये बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, 8 tan² a बराबर 5, -5 को पक्षांतर कर दिया तो ये +5 हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लिख सकते हैं tan² a बराबर 5/8, दोस्तों हमें मान चाहिए टेन ए का और यहाँ है tan² a, तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो दोस्तों स्क्वायर को हम कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे tan² a बराबर +√5/√8 का होल स्क्वायर। दोस्तों हमने क्या किया, 5/8 को +√5/√8 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, ठीक, और हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी दोस्तों क्या होगा, प्लस ही होगा, तो दोस्तों इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, इस माइनस प्लस को ले लिया हमने, इसको जब स्क्वायर के रूप में लिखा, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से प्लस और माइनस का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या होगा, प्लस होगा, तो हम यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, 5/8 के अगर कुछ नहीं तो दोस्तों प्लस है, तो प्लस यहाँ लिखा नहीं है, तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, √5/√8, तो दोस्तों √5 का स्क्वायर करें दोस्तों क्या होगा, ये इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, √8 का भी हम स्क्वायर करें दोस्तों क्या होगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। तो दोस्तों हमने क्या किया, 5/8 को स्क्वायर के रूप में लिख लिया, ताकि दोस्तों हम इस स्क्वायर को कैंसिल कर सके, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से टेन ए का मान निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोस्तों क्या किया, हमने 5/8 को स्क्वायर के रूप में लिख लिया, तो इस तरह हम इसे लिखेंगे, चिन्ह को भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों
प्लस रूट पाँच बटा रूट आठ का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा दोस्तों, 5/8 होगा। और जब हम माइनस रूट 5/√8 को स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 5/8 होगा। तो इसलिए हमने दोस्तों यहाँ प्लस माइनस चिन्ह ले लिया। अब देखिए दोस्तों, टेन ए बराबर हो गया दोस्तों प्लस माइनस रूट 5/√8। अब देखिए दोस्तों, टेन ए बराबर प्लस माइनस रूट 5/, दोस्तों हम रूट आठ को 4 × 8 लिख सकते हैं कि दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर प्लस माइनस रूट 5। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा 2, और ये रूट 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेन ए बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 5/√2। तो दोस्तों इस तरह हम इसे हल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।